डीजल और घरेलू गैस के दामों में निरंतर 4 साल से बढ़ोतरी हो रही है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का दाम बहुत ही कम होने के बावजूद भी निरंतर सुरसा के तरीके पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने आदरणीय राहुल गांधी जी के निर्देश पर पूरे भारत को बंद करके विरोध दर्ज कराया था, कानपुर को बंद करके विरोध दर्ज कराया था, लेकिन विरोध के बाद भी डेली नियमित रोज डीजल और पेट्रोल के पैसे बढ़ रहे हैं। आज हम लोगों ने स्कूटर और मोटरसाइकिल को पैदल चला करके जिला अधिकारी कार्यालय पे आ करके महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से ज्ञापन प्रेषित किया है, उनसे अनुरोध किया है, उनसे मांग किया है कि मध्यम और गरीब वर्ग की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए डीजल के, पेट्रोल के और घरेलू गैस सिलेंडरों के पैसों में बढ़ोतरी जो हो रही है उसको रोका जाए, उसको कम किया जाए, ताकि मध्यम और गरीब श्रेणी के लोग अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सके। इसको जीएसटी के दायरे में लाया जाए, क्योंकि जीएसटी के दायरे में न लाने का कारण मोदी द्वारा निरंतर अडानी और अंबानी को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख रहे थे कि सैकड़ों की तादाद में मोटरसाइकिल और स्कूटर स्कूटी लेकर के कांग्रेस के कार्यकर्ता, महिलाएं, बुजुर्ग सब जो है खाली पैदल जो है गाड़ियां चला करके इसी तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, सड़कों पे संघर्ष करते रहेंगे और इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे।